गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 7 एक्सरसाइज 4.2 सिंपल इक्वेशंस। इसके क्वेश्चन नंबर 3 को 2 तक हमने कर लिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो ये देखिए बेटा, आपके पास 3n-2 = 46 हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे बोला गया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करना है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब तो वन बाय वन हटाना है, डायरेक्ट एक साथ सारा नहीं हटाना। दैट मीन्स यहाँ पे वन बाय वन स्टेप वाइज करते जाना है, ठीक है। तो स्टेप देखिए, इसमें स्टेप वाइज काम किस तरह होगा। सबसे पहले वेरिएबल से ये सारे कॉन्स्टेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, टू यहाँ पे माइनस में है, तो स्टेप वन एडिंग टू बोथ साइड दोनों साइड टू एड करेंगे। 3n-2 + 2 = 46 + 2। उसे 2 गया 3n, 46 एंड 2 48, पेन की वैल्यू कितनी होगी 48/3। तो 3 1 3 3 16 18, पेन की वैल्यू कितनी होगी, पेन की वैल्यू 16 आ गई। कितनी आ गई पेन की वैल्यू आपकी, 16 आ गई, क्लियर है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे गड़बड़ देखना बेटा, यहाँ पे स्टेप हमने दूसरे को इस्तेमाल नहीं किया तरीके से, हमें यहाँ पे आ चुका है ये। फिर हम कहेंगे स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके 3n/3 48/3 से 3 कट जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से करके 16 आ जाएगी। क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे हमारी करके 16 आ जाएगी, क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को, देखिए इसका बी देखते हैं बेटा। बी में देखिए आपसे बोला गया 5n + 7 = 70, ठीक है। तो देखिए स्टेप वन में क्या करते हैं, स्टेप वन सबट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 7 को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 5m + 7 - 7 = 17 - 7, कैंसिल आउट हो गया 5m, 17 - 7 कितना आ गया बेटा आपका 10 आ गया, कितना आ गया 10। इसके 5 किस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5m by 5 = 10/5, कैंसिल आउट हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके बेटा 2 आ जाएगी, m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास d देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो d में देखिए बेटा आपके पास c, आप c और d सेम है, तो आपको d कराए तो c हो जाएगा ऑटोमेटिक। 3p/10 = 6, तो सबसे पहले देखिए बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करते हैं डिवाइड वाले पार्ट को हटाते हैं। तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। स्टेप वन मल्टीप्लाई बाय टेन, तो 3p/10 × 10 = 6 × 10, 10 से 10 गया 3p = 60, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम देखेंगे, स्टेप सेकंड में डिवाइड बाय थ्री, तो देखिए 3p/3 = 60/3, 3 से 3 गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू 20 आ गई। पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पी की वैल्यू आपकी आ गई 20, कितनी आ गई आपकी, पी की वैल्यू 20 आ गई है, क्लियर है। नोट करिए बेटा इसे, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा आराम से, ठीक है। कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ में रखिए, बुक अपने साथ में रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ आपका 10p = 100 आपका लिखा हुआ है। p के लिए कितने आएगी बेटा, हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 10, तो 10p/10 = 100/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो p के लिए कितने आ गई आपकी 10, p के लिए कितने आ गई आपकी 10 आ गई है, क्लियर है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा अगर आपको तेज लग रहा हो तो वीडियो 0.5 कर दीजिएगा, ठीक है। सी देखिए, सी पार्ट देखते हैं इसका। सी आपके पास दिया पड़ा p/4 = 5, तो देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p/4 × 4 = 5 × 4, 4 से 4 कट गया, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 4 = 20, p की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20 आ गई, कितनी आ गई बेटा आपकी 20 आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास ई पार्ट को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट में हमारे पास दिया पड़ा है 3p/4 = 6, 3p/4
इक्वल टू सिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय फोर, दोनों साइड फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री पी बाय फोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्स इंटू फोर, फोर से फोर करके थ्री पी इक्वल टू सिक्स इंटू फोर, डिवाइड डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करेंगे बाय थ्री, किससे, थ्री से, थ्री पी बाय थ्री इक्वल टू सिक्स इंटू फोर बाय थ्री, थ्री से थ्री कट हो गया, पी की वैल्यू कितनी, थ्री टू सिक्स एंड फोर टू आपको क्या आ गया, एट आ गया, फोर टू से क्या आ गया आपका, एट आ गया, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पे अगला, देखते हैं एफ पार्ट, एफ पार्ट में देखिए थ्री एस इक्वल टू माइनस नाइन, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या थ्री है, डिवाइड बाय थ्री, थ्री से थ्री एस बाय थ्री इक्वल टू माइनस नाइन बाय थ्री, थ्री से थ्री कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस नाइन बाय थ्री, थ्री से थ्री कटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस और थ्री आ जाएगी, समझ आ रही है आपको बातें। इसके एच पार्ट को देखते हैं हम लोग, एच पार्ट को थ्री एस इक्वल टू जीरो, थ्री एस इक्वल टू जीरो, तो देखिए डिवाइड डिवाइड बोथ साइड बाय थ्री, तो थ्री एस बाय थ्री जीरो बाय थ्री, थ्री से थ्री कट गया तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जीरो, एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जीरो आ गई, समझ आ रही है आपको बातें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन करते जाएंगे, पहले इतना पार्ट जो लिखा हुआ है इसे नोट करिए, तब आगे करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पे एच हो चुका है हमारे पास तक, ठीक है। एच के बाद जे, जे पे देखते हैं आपका टू क्यू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एडिंग सिक्स बोथ साइड, दोनों साइड सिक्स को एड करेंगे, टू क्यू माइनस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया, टू क्यू इक्वल टू सिक्स आ गया, डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू एट बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइड बाय टू, टू क्यू बाय टू सिक्स बाय टू, टू से टू गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, टू थ्री सिक्स, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, टू थ्री या सिक्स आ गई, समझ आ गया बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका, देखते हैं एल, एल पार्ट देखते हैं इसका, के बाद एल पार्ट को अगला, तो एल पार्ट में देखिए टू क्यू प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व, टू क्यू प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय सिक्स, टू क्यू प्लस सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सिक्स, सिक्स से सिक्स गया टू क्यू, ठीक है, ट्वेल्व माइनस सिक्स आपका सिक्स आ गया, डिवाइड बाय टू, टू हटाएंगे यहां से, टू क्यू बाय टू इक्वल टू सिक्स बाय टू, कैंसिल आउट हो गया, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहां पे आपकी, थ्री आ गई है, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको बातें सारे, तो नोट करिए, नोट करिए बेटा। अब आगे देखते हैं अगले एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग, फोर पॉइंट टू हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फोर पॉइंट थ्री पे आ जाते हैं, ठीक है, फोर पॉइंट थ्री, तो फोर पॉइंट थ्री में देखिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए पहले हमने वेरिएबल को लगा के सारे मेथड्स लगा लिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे हम वैल्यूज को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ए पार्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट, टू वाई प्लस फाइव बाय टू इक्वल टू थर्टी सेवन बाय टू, क्लियर है, टू वाई थर्टी सेवन बाय टू फाइव बाय टू, टू हो गया थर्टी सेवन माइनस फाइव, टू वाई थर्टी सेवन माइनस फाइव कितना हो गया, थर्टी टू हो जाएगा, थर्टी टू प्लस फाइव थर्टी सेवन हो जाएगा, क्योंकि आपका टू, ठीक है, अभी टू यहां मल्टीप्लाई में देखिए टू से पहले करके सिक्सटीन, टू वाई इक्वल टू सिक्सटीन, यहाँ टू आपका मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू सिक्सटीन बाय टू, टू एट सिक्सटीन, वो चीजें हमें नहीं लिखनी है, हमें डायरेक्ट सम करते जाना है, क्लियर है, समझ आई आपको बात है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चीजें सारी सारी चीजें समझने वाली है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग तरीके से करना पड़े। ये देखिए ये पार्ट में फाइव टी प्लस ट्वेंटी एट, फाइव टी प्लस ट्वेंटी एट इक्वल टू टेन, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आप लोग
फिर 28 इसके साथ प्लस में है उधर जाएगा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा 10 माइनस 28 5t। 10 माइनस करेंगे तो बेटा आपको कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस का। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -18/5 तो आपका टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5315 ठीक है 5 6 30 5 3 15 5 6 30 तो आपका कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। बाई चांस अगर आपका पॉइंट में आपका पॉइंट्स में आंसर नहीं है तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं आंसर को। क्लियर है? सी पार्ट देखिए। अब आपके जो पार्ट लेफ्ट हो रहे हैं बेटा इस चीज का आपका काम है होमवर्क है, जो पार्ट आपके लेफ्ट हो रहे हैं वो पार्ट आपने ग्रुप में डालने करके, ये सब बच्चों के लिए टास्क है। जो बच्चा नहीं करेगा बाय नेम वाइज सबने डालने हैं, जो बच्चा नहीं करेगा उनके इंटरनल मार्क्स में दिक्कत आ सकती है। ठीक है a/5 = 2 - 3 तो बेटा देखिए उधर जाके माइनस हो गया क्योंकि प्लस में था इधर a/5 2 - 3 - 1 तो एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी -5 एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इज -5 समझ आई बात है। ठीक है तो देखिए डी पार्ट q/4 + 7 = 5 q/4 + 7 = 5 तो देखिए q/4 5 - 7 q/4 में देखिए बेटा ये -2 हो जाएगा 5 7 -2 तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 × 4 तो वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू -8 वैल्यू ऑफ q इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा आपकी -8 आ जाएगी। ठीक है कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए एफ पार्ट देखते हैं, जो पार्ट छूट रहे हैं वो आपने खुद से करने हैं, ई पार्ट आप खुद से करेंगे। एफ पार्ट में देखिए 5/2 x = 25/4 क्लियर है? तो आप देखिए बेटा इसमें पहले हम डिनोमिनेटर वाले 2 को जो डिवाइड वाले 2 है मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 5x = 25/4 × 2 इस 2 से 2 पे कट हो रहा है 5x = 25/2 अब हम करेंगे इसको डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे x = 25/2 × 1/5 तो 5 5 = 25 तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई आपकी 5/2 x वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/2 आ गई। क्लियर कोई डाउट? आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है तो पहले इतना नोट करिए उसके बाद हम आगे करते हैं जी पार्ट। जिस पार्ट पे आपको दिक्कत हो आपको बताया गया डाउट कॉपी बनाने को, डाउट कॉपी बनाते जाइएगा क्वेश्चन बताते जाइएगा वहां पे आपको समझा दिया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपने अपने कॉपी में करने के बाद ग्रुप में उसकी पिक्चर्स डालनी है ताकि हम वहां से चेक कर सकें। क्लियर है? और जिस डे का वर्क होता है उसी दिन आपको ग्रुप में डल जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक है और तरीके से वीडियो को देखते रहिए, अगर एक बार समझ ना आए तो उसे रिपीट करिए 2-3 बार, बार बार रिपीट करिए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है तो क्वेश्चन देखिए जी पार्ट को देखते हैं हम लोग। इसके जी पार्ट को, जी पार्ट में हमारे पास बेटा यहाँ पे दिया पड़ा है 7m + 19/2 = 13 क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है तो 7m = 13 - 19/2 तो 7m = 13 × 26 - 19/2 7m तो देखिए आपका 26 - 19 कितना हो जाएगा आपके पास है? ये 7 हो जाएगा 7/2 तो m = 7/2 × 1/7 ये आपका मल्टीप्लाई में वहां के डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी m/2 एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी m/2 क्लियर है? जी के बाद हम देखते हैं एच को। एच देखिए 6z + 10 + 10 = -2 तो 6z = 2 उधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा -10 6z = -12 तो जेड की वैल्यू कितनी होगी -12/6 तो जेड की वैल्यू कितनी होगी -2 जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी -2 6 2 = 12 - 2 आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है इसके बाद हम देखते हैं अगला जे पार्ट। एच के बाद आई पुट करना है उसके बाद जे पार्ट को देखते हैं 2b/3 - 5 = 3 ये हमारा क्वेश्चन है 2b/3 - 5 = 3 अब देखिए बेटा 2b/3 3 उधर आगे प्लस 5 हो जाएगा 2b/3 5 + 3 8 हो गया। ठीक है अब देखिए उधर जाएगा आपके पास 2b 8 × 3 तो b की वैल्यू कितनी होगी 8 × 3/2 या डिवाइड में 2 4 8 तो b की वैल्यू कितनी होगी 4 2 3 12 b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 3 12 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? तो आप लोगों को सारा समझ आ रहा होगा। जो क्वेश्चन लीक किए जा रहे हैं उनको आपने प्रैक्टिस कॉपी में करने का, ग्रुप में जरूर डालना आप लोगों ने, और कोई डाउट हो तो उसको सबको डाउट कॉपी में जरूर लिखना है, जिस दिन डिस्कस किया जाएगा उस दिन आपने बताना है। क्लियर है? नोट करिए इसे। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है
क्वेश्चन नंबर टू में हमें जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है सॉल्व करना है। आई बात समझ बेटा। तो देखिए a आपके पास है 2x plus 4 equal to 12, 2x plus 4 equal to 12। तो सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पे पहले इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो x plus 4 कितना हो जाएगा 12 by 2, x plus 4 कितना हो जाएगा आपका 12 by 2, ठीक है 2 6 है 12, तो x plus 4 कितना आ गया आपका 6, तो x value कितनी हो जाएगी 6 minus 4 और आपका आंसर कितना आ गया बेटा आपका, आपका आंसर आ गया 2, कितना आंसर आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट को, इसके बी पार्ट के बाद छोड़ के सी पार्ट को देखते हैं 3n माइनस 5 इक्वल टू 21, ओके 3 है डिवाइड बाय 3 हो जाएगा n माइनस 5 21 बाय 3, 3 7 जा 21, n माइनस 5 इक्वल टू 7, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को, समझ आ रहा है, ठीक है। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में देखते हैं इसके 3 माइनस 2 2 माइनस 5 इक्वल टू 7, तो 3 आपके पास इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो -2 2 -5 इक्वल टू 7 -3, क्लियर है। अब आप देखिए -2 2 -5 7 -3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा, तो आपका डिवाइड बाय -2 2 -5 इक्वल टू 4 अपॉन -2, देखिए इसके साथ आगे 2 2 4 2 - y इक्वल टू -2, तो 2 इधर आएगा y उधर जाएगा 2 + 2 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4 आ गई है, कितनी आ गई वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एफ पार्ट को, ठीक है, इसके क्या देखते हैं एफ पार्ट को, डी के बाद एफ पार्ट को इसके देखते हैं। तो एफ पार्ट में हमारे पास क्या दिया पड़ा बेटा 4 2 - x इक्वल टू 9, 4 2 - x इक्वल टू 9, तो 2 - x देखिए मल्टीप्लाई में जाएंगे डिवाइड में 9/4, 2 - x इक्वल टू 9/4, एक्स को उधर ले जाएंगे 9/4 को उधर लाएंगे 2 - 9/4 इक्वल टू एक्स, तो 4 to 8 - 9/4 इक्वल टू एक्स, तो 8 - 1/4 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 आ गई, कितनी आ गई बेटा आपकी 1/4 आपकी वैल्यू आ गई, क्लियर है, चीजें समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं इसका एच पार्ट देखते हैं, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए बेटा बेटे से और चीजों को समझते जाइए, जो जो समझना है उसे जरूर नोट करते जाएगा, डाउट कॉपी जो आपको बताया जा रहा है तो वहां पर आप जरूर अपने डाउट आउट सारे तैयार करके रखिए। देखिए जो आपको अगर समझ नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन में, तो एक्स देखिए एच पार्ट का 35 - p - 1 5p - 1 इक्वल टू 4, देखिए बेटा आपके पास 35 उस साइड जाएगा आपके पास 35 - 5p - 1 इक्वल टू 4 - 35, तो -5p - 1 35 - 4 कितना हो जाएगा -31, ठीक है। तो देखिए p - 1 - 31 upon -5 कैंसिल आउट हो गया, p - 1 इक्वल टू 31/5, तो p की वैल्यू कितनी होगी 31/5 + 1, p इक्वल टू 31 + 5/5, तो कितना आ जाएगा आपका 36/5 आपका आंसर आ जाएगा, 36/5 आपका लोग आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए यहाँ पे देखिए बेटे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे सब में 34 था, ठीक है 34 था, हमने 35 से कर दिया, बाकी 35 के हिसाब से आंसर सही है, अगर 34 के हिसाब से भी करा देता हूँ आप लोगों को जो बुक में क्वेश्चन दिया पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे गलती से हमने 35 लिया, 34 आपके पास, तो 34 - 5p - 1 इक्वल टू 4, तो देखिए -5p - 1 इक्वल टू 4 - 34, 5p - 1 34 - 30 हो जाएगा, तो p - 1 30/5 5 6 30, तो p - 1 = 6, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 + 1 = 7, p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, समझ आ गई आपको बातें, p की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है, क्लियर है, करिए बेटा नोट करिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो बेटा जो सब लीव कर रहे हैं उन्हें जरूर आप ग्रुप में डालिए करके, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखिए, अगर इसका हम देखें कुछ क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन है 4 = 5p - 2, तो देखिए 5 को इधर लाइए डिवाइड में 4/5 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में p - 2, तो p = 4/5 + 2, p = 4 + 5 = 10/5,
तो पी की वैल्यू कितनी होगी 14/5, पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी बेटा 14/5, समझ आ गया आपको बातें। अब यहां देखिए इसके बाद डी पार्ट को बना लेते हैं, डी पार्ट करके देख लेते हैं इसका ये, ठीक है। तो डी पार्ट में देखिए क्या दिया पड़ा, 10 इक्वल टू 4+3 t+2 ही है, ठीक है। 4 आपका प्लस में इधर आके 10-4 3 t+2, 10-4 6 इक्वल टू 3 t+2, 3 से डिवाइड करेंगे 6/3 इक्वल टू t+2, 3 2 6 2 इक्वल टू t+2, टी इक्वल टू 2-2 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितने आ गई आपकी 0, t की वैल्यू कितने आ गई बेटा आपकी यहां पर 0 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 0 आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास एक क्वेश्चन में आपके पहले इतना नोट करिए, तो इसके दो पार्ट करा चुका हूं ए और डी, बाकी पार्ट आपने इसके बेटा खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर डू योर सेल्फ, ओके, और आप लोगों ने इसे करके ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर इसके बाकी पार्ट्स खुद से ट्राई करने हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 4.3 भी हमारी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो गई है, क्लियर है। चलिए बेटा अब वीडियो को जब देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नहीं करा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आती रहे, और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।